हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोज ज्वाइन करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने एयरबड्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोज ज्वाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सबके यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिविटी सीखने में जरूर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फोटोशॉप सीसी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080x3672 रेजोलेशन है, कलर मोड RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट एड्स और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हम पहले PNG करेंगे। तो PNG करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट में और यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन आना जाएगा, ये थोड़ा समय लेगा इसे सेलेक्ट करने के लिए। तो इसने सेलेक्ट कर लिया पर इसने प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस व्हाइट कलर पर क्लिक करूँगा, तो सिर्फ ये व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेगा। अब ये ऊपर भी सिलेक्शन चालू हो गया, तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं कंट्रोल सेट आई प्रेस करूँगा, तो ये ऊपर का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग करूँगा तो ये बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसे पे राइट क्लिक करूँगा और इसे स्मार्ट ऑडियो में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा और इसे इमेज को इस तरह पकड़ूंगा और ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से राइट साइड से इसे पकड़ के इस तरह मैं छोटा कर लूँगा, इसे मिडल सेंटर में रखूँगा और इंटर करूँगा। अब इसे थोड़े टाइम के लिए हाइड कर लूँगा मैं। अब इस बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में, यहाँ से इस तरह एक कलर पिक करूँगा बैकग्राउंड के लिए, इसका कलर कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा। और यहाँ पे मैं मोटर को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लिख रहा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह मैं सेप पकड़ के यहाँ से इस तरह मैं छोटा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे ये, क्योंकि हमें बाद में इसे ग्रेडिंग देना है। तो इसे इस तरह मैं कोई भी कलर अल्टरनेट ले लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे पेंटू को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और इसी के ऊपर कन्वे लूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं पेन टूल ड्रा कर लूँगा। मैं सिर्फ पकड़ूंगा इसे इस तरह मैं ड्रा कर लूँगा, यहाँ पे भी क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरह ला के यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे इसे इस तरह सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह थोड़ा सा नीचे की तरफ में इसे बड़ा कर लूँगा और इंटर करूँगा। थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा इसे इस एरो से। अब इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा मैं। और यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रो को सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह इस पॉइंटर ऊपर के इसे क्रॉस कर लूँगा इस तरह और इंटर करूँगा। और फिर इस तरह मैं नीचे की तरफ ला के इसे इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं। अब इसे सेलेक्ट करके इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सभी को दिखे इस तरह और ओके करूँगा। इसी का डुप्लीकेट लिखाऊंगा मैं, अल्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे नीचे की तरफ ले लूँगा मैं और इसे इस तरह मैं ला के यहाँ पे इसे मैनेज कर लूँगा मैं एरो से इस तरह, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे सिर्फ पकड़ के से थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा और इंटर करूँगा। इसे ड्रैग करके इस रेक्टेंगल के पीछे ले लूँगा तो इसके पीछे चला जाएगा, कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन निकालूंगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में, ब्रश में जाकर यहाँ से जनरल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब इस कलर बॉक्स पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसी से रिलेटेड में लाइट कलर पिक करूँगा, सब कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा। अब मैं इस कलर बॉक्स पे जाऊँगा फिर से और यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह और ब्राइट हो जाएगा ये, यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल माइनस से डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा मैं, तब ये रेक्टेंगल आ जाएगा और यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एरिस्टर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सर्कल ड्रा कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करके इसे इस तरह मैं थोड़ा मैनेज करूँगा मैं लेफ्ट साइड में। अब इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और इसी पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन का विंडो ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इनर शेडो में और यहाँ पे इस तरह से एक शेडो दे दूँगा मैं, इसे इस तरह मोटर से इसे मूव करूँगा मैं इस तरह। और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ नीचे की तरफ आके इस तरह, सब कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा और यहाँ पे भी ओके करूँगा। अब मैं इसे एक डुप्लीकेट लिखा रहा हूँ, कंट्रोल जे पेस्ट करूँगा और इसी पे राइट क्लिक करके मैं सारे इफेक्ट इसके क्लियर कर लूँगा यहाँ से। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे
एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ, और यहाँ पे इसका बॉर्डर रखूँगा मैं वाइट, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक बढ़ाऊँगा थोड़ा मैं, और यहाँ पे मोटो को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में, ब्रश में आके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा क्लोज ब्रैकेट से इस तरह, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का मैं इसे रिमूव कर लूँगा तो कुछ इस तरह एक बॉर्डर दिखेगा। यहाँ पे मोटो को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सारे डिजाइन को ग्रेडिंग दूंगा, तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चार तो एक सिलेक्शन होने जाएगा। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं ग्रेडियंट दे दूँगा। अब मैं आप सभी को इस ग्रेडियंट का कलर कोड दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कलर कोड आ जाएगा इसका, और यहाँ पे इस पॉइंट पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर छोड़ दिया, यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, और ओके करूँगा। यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जीरो करके डिज़ाइन करूँगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँगा तो इसके चार तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं इस ग्रेडियंट को आइकन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे भी मैं इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, और यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जीरो करके डिज़ाइन करूँगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चार तो सिलेक्शन होने जाएगा। इस ग्रेडियंट आइकन को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में इसे भी ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, और यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह में मैनेज करूँगा मैं, और यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे भी सिलेक्शन होने जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सिलेक्ट करूँगा, इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके यहाँ पे सिलेक्शन होना जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दूँगा। यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा, अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, इसे भी कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी सिलेक्शन आ जाएगा। इस ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, और यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी मैं सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे व्हाइट कलर ले लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी पे इसके फेस इस तरह मैं बेंड कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस बॉर्डर पर ला के इसे रखूँगा, कंट्रोल पर से डिजाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं, और यहाँ पे इसे इस तरह रखूँगा, थोड़ा से इसे और बैंड कर लूँगा मैं, और यहाँ से स्ट्रेच करके इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं, कंट्रोल प्लस से डिजाइन को थोड़ा और बड़ा करूँगा और इसे इस तरह में बैंड कर लूँगा मैं थोड़ा, और इसे इस तरह में बॉर्डर पर रखूँगा और इंटर करूँगा, कंट्रोल जीरो पर मैं डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह बॉर्डर दिखेगा, इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह पकड़ के इसे यहाँ पे रखूँगा मैं, इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह पकड़ के यहाँ पे भी रख लूँगा मैं, इसे इस तरह मैं एरो से मैनेज करूँगा। अब इन तीन लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करके इसे मर्ज करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉल्व ब्रश लिया हुआ मैंने, इसे इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा यहाँ से। टेड यान में कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा, थोड़ा और नीचे की तरफ आऊँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी ने सॉल्व ब्रश लिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट से इस तरह में बड़ा कर लूँगा इसे और इस यहाँ पर इस तरह में ड्रॉ कर लूँगा मैं। मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में जाकर ग्रोशियन ब्लर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह में थोड़ा ब्लरनिश कर लूँगा मैं और ओके करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे जो कि मैंने इमेज हाइड करके रखा हुआ था, इस इमेज को यहाँ पे इस तरह रखूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से इसे इस तरह में थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा, इसे एरो से मैनेज करूँगा मैं लेफ्ट में। अब इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश को छोटा करूँगा, थोड़ा डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे प्रोडक्ट के नीचे ला के इसे इस तरह में सिप पकड़ के इसे इस तरह में एक शेडो दे दूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसे रेस्टराइज करूँगा क्योंकि ये स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट है, इसे पर राइट क्लिक करके मैं इसे रेस्टराइज करूँगा, नहीं तो इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करके इसे इस तरह में थोड़ा ब्राइट कर लूँगा कॉर्नर से इस तरह। अब मैं जाऊँगा फिर से यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह कॉर्नर से इसे थोड़ा सा ब्लैकनिश कर लूँगा मैं बॉर्डर को और यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिजाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ट्राइंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, इसका मैं कलर ब्लैक ही रखूँगा, इसी का डुप्लीकेट लिख रहा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं रोटेट कर लूँगा मैं, इसे गैप दे दूँगा मैं, इंटर करूँगा
और यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट निकालूंगा, इस साइड में रखूँगा मैं इस तरह, और यहाँ पे भी इसका डुप्लीकेट निकाल के इस तरह मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे सारे लेयर को सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो सारे मर्ज हो जाएंगे। इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह मैं क्रॉस करूँगा मैं, और यहाँ पे ऊपर की तरफ रखूँगा इसे और थोड़ा क्रॉस करूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ पे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं, थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं और पिंक करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से ब्लर में जाके यहाँ से जाऊँगा मोशन ब्लर में, और यहाँ पे इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरनेस कम करूँगा इसका, इस तरह मैनेज करूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे नॉर्मल में और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट एक चेक करूँगा कि कौन सा इफेक्ट अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ये इफेक्ट रखता हूँ हार्ड लाइट ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका फील कम करूँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह, और इंटर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लाके यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट लाके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह मैं छोटा कर लूँगा और इसे बिल्कुल लेफ्ट साइड में मैनेज करूँगा और इंटर करूँगा। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैरेक्टर्स में जाके इसका फॉन्ट नेम लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करूँगा तो ये सारे डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में, और यहाँ से इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, और यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेंस और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में, और यहाँ से जाऊँगा मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा इसका, थोड़ा थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। अब मैं फिर से जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में, और यहाँ से इसका गामा बढ़ाऊँगा थोड़ा इस तरह, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, 20 तक रखता हूँ मैं, और ओके करूँगा। तो फाइनली दूसरा डिज़ाइन मैं रेडी कर सोशल मीडिया ऐड प्रोमो पोस्ट के लिए। तो दूसरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ में कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।